मैंने बाबा से प्रार्थना की है कि प्रचंड बहुमत से तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बननी चाहिए। देखिए, जो 4 तारीख को परिणाम आएगा वो बड़ा चौंकाने वाला होगा। देश की जनता फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी को इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन करेगी। पूरा विपक्ष विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहा है। 4 तारीख के बाद विपक्ष के ये जितने नौसिखिए परिवारवादी पार्टी के शहजादे हैं, ये गुफाएं ढूंढते फिरेंगे। देखिए, जो 4 तारीख को परिणाम आएगा वो बड़ा चौंकाने वाला होगा। एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें आएंगी। देश की जनता फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी को इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन करेगी। जहां तक सवाल है राहुल गांधी जी का और विपक्ष का, एक तरफ एक ऐसा नेता है जो राष्ट्र के कल्याण के लिए साधनारत है, और एक तरफ ये इस तरह के नेता हैं कि सत्ता के लालच में चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, जोड़ तोड़ करके सत्ता को कब्जा करने के लिए मीटिंगों पे मीटिंग कर रहे हैं। विपक्ष की जो हरकतें हैं वो राष्ट्र विरोधी हो गई हैं। पूरा विपक्ष विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहा है। और मुझे लगता है कि 4 तारीख के बाद विपक्ष के ये जितने नौसिखिए परिवारवादी पार्टी के शहजादे हैं, ये गुफाएं ढूंढते फिरेंगे, विदेशों में जाएंगे, एकांतवास में जाएंगे, क्योंकि देश की जनता इन्हें नकार चुकी है। बाबा नीम कोरोली महाराज का भी आशीर्वाद लिया है, कुछ प्रार्थना वहां पे भी की है आपने? मैंने बाबा से प्रार्थना की है कि प्रचंड बहुमत से तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि भारत को मोदी की जरूरत है। भारत की एकता के लिए नरेंद्र मोदी जरूरी है। भारत की अखंडता के लिए नरेंद्र मोदी जरूरी है। भारत के गौरव और भारत के स्वाभिमान के लिए नरेंद्र मोदी जरूरी है। 4 जून 2024, ये तारीख भारत का भविष्य तय करने जा रही है। 4 जून, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे।